दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार विभिन्न योजनाएं चला रही है। ऐसे में अयोध्या जनपद में परिवहन विभाग की ओर से सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जा सके, इसको लेकर मंडल स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 31,000, द्वितीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 21,000 और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 11,000 का पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके कारण लोगों में जागरूकता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह की पहल परिवहन विभाग की ओर से की गई है वह बहुत ही सराहनीय है। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना और उसका निवारण सड़क सुरक्षा सप्ताह में ये बच्चों की डिबेट 5 जिलों में थी और उसमें जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय आए थे उनको आज पुरस्कार वितरण किया गया और उन 5 जिलों से बच्चे आए थे जिन्होंने प्रतियोगिता में अपने अपने ज़िले में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया था। इस तरह उन 5 जिलों के 15 बच्चों के बीच में भी प्रतियोगिताएँ हुई और उसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय जो आए उनको पुरस्कार मिला 31,000 कितना था 31,111। ये बहुत अच्छी प्रोत्साहन राशि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री ने ये जो निर्णय लिया मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रोत्साहन राशि इतनी अच्छी है कि इससे उसमें बच्चों को भी उत्साहवर्धन होगा और निश्चित रूप से ये परिवहन विभाग की बहुत अच्छी शुरुआत है। मुझे ये पुरस्कार पाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि सबको मेरे विचार पसंद आए। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक युवा होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज का मार्गदर्शन करें और शायद हम ही अच्छे समाज की नींव बन सकते हैं। तो ये हमको लेना होगा, हमें खुद से इनिशिएटिव लेना होगा कि हम समाज को एक नया आईना दिखाएं।